मेरी बात सुनो, आपको उसके ऊपर कंप्लेन करनी है ना, तो पुलिस स्टेशन तो जाना पड़ेगा ना, आप हमारे साथ चलो, है ना, चलो। अरे पन वो बात तो हो रही हो। क्या नाम है बेना आपका? मेरा नाम लिख लिया ना एक बार। इंग्लिश में ही बात करते हैं। हाँ। क्या नाम है बहन का आप बता सकते हैं? नहीं नहीं, हमारा तो गैरेज है। आप तो बहुत, आपकी हैंड राइटिंग तो बहुत अच्छी है बहन। है बहन? अजय पटेल, आज तक भी हम जगह नहीं आगो। असली कैमरा लेने आओ। आओ जा, आउट। आई डोंट लिव। नहीं, गुंडे मोहन गुंडारिया आने क्या करे? अली वाला वन ओनली फोर। ओके, व्हाट्स योर नेम? नो सॉरी, You are my sister. I think so. Yes, I live alone only for you. Go. Okay, don't worry, don't worry. गरीब बना था, आगो जागो। क्या नाम है आपका? मैं आपका छोटा भाई हूँ, बता दीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगा आपको। तेरे पापा ही इनके हैं? संगठन ने गाली बाजू ले जाने, अंधारू पकड़ा। मेरी बात सुनो, आप गुजराती छो? ना, आगो जा। आगो जा मतलब गुजराती छो हैं? क्या थी छो तुम्हें बहन? हमारी बात सांभलो, हम जो तुमने सारी जगह हमारी बात आगो रे कि नहीं आगो द रहो छु, पण मारी बात सांभलो तुम। हम लिसन, हम जो अनिमा, डोंट टच यस टू दैट टाइम। ओके ओके, डोंट वर रीडिंग सुन, आउट। सो नाम छे तुम्हारो? सगिल जो आगाडियो महिला पुलिस से सुनार लवन। चलो हैं, रुको, महिला पुलिस स्टेशन में जाते हैं, रुको। हेलो भाई, बहन पूछे से सु नाम छे? महिला पुलिस स्टेशन को बुलाए महिला? हाँ, बोलो। हैं? हाँ बोलो। अभी रुक तो 181 में कॉल करो ना, कोई कौन से 181 में कॉल करो ना। बैठो, आप आराम से बैठो। 181 आप उन एड्रेस इनके महिला हैरान था। चलो दोस्तों, अभी हम नवसारी में हैं। ये कौन सा लोकेशन है सर? शान कुआ। और यहाँ पे एक महिला है, रेस्को साइड बाजू में बहन है, जो बहुत ही बुरी हालात के साथ अपनी जीवन को जी रहे हैं। बहुत ही पढ़े लिखे लिख रहे लग रहे मुझे। और महिला पुलिस स्टेशन से हमें फ़ोन कर दिया, अभी महिला पुलिस आ रही है, जिनकी वजह से बहन की कुछ हालात बदलने की हम थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं। बहन कुछ अब मेरे साथ बात नहीं कर रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है बहन। हेलो। हाँ जी, यस बहन। हाँ बोलो सर। बहन एक अँ एड्रेस ऊपर छे ने, एक बहन बेघर छे अने हैरान थाई छे, महिला छे, तो महिला पुलिस स्टेशन थी महिला मोकलो नी पुलिस कर्मचारी ने। ओके सर, तुम्हारो नाम? मारो नाम पोपटभाई आहिर। ओके सर, रेड क्रॉस नवसारी बाजू में। नवसारी में क्या छो सर अत्यारे? रेड क्रॉस रोड ऊपर। બીજા જતા રહેજો ને, બીજા ખાલી ખોટા હેરાન થશે। બેન, મહિલા પોલીસ કો મેને બુલા લિયા હે, વો અભી આ રહે। ઠીક હે, અભી જો ને હમારી ગવર્નમેન્ટ મહિલા સુરક્ષા કે લિયે બહોત હી સપોર્ટ કરતી હે। અભી પોલીસ સ્ટેશન મે ફોન કર દિયા હે મેને, તો અભી આ રહે। આપ કહીં જાના મત, ઠીક હે? આપ મસ્ત તૈયાર હો જાઓ, અભી આપકી જિંદગી બદલને વાલી હે। बात समझ रहे हो मेरी? मने गाड़ी आपो, आया छु, मस्त तैयार थी जाओ। चले दोस्तों, हमारा जो गवर्नमेंट का जो हेल्पलाइन नंबर है 181 महिला सुरक्षा के लिए, तो हम भी हमने कॉल कर दिया है। और अभी महिला हेल्पलाइन की जो भी कुछ कर्मचारी है, वो बहन अभी आ रहे हैं और बहन के साथ भी वो बातचीत करेंगे। तो कंटिन्यू एपिसोड देखिए दोस्तों, देखते आगे क्या होता है और आपके साथ भी सब कुछ बातें शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच, पूरा देखिए। आपकी हैंड राइटिंग बहुत मस्त है बहन।
दोस्तों 181 से हमारे अधिकारी श्री आ चुके हैं बहन के साथ। केम छो? देखो आ गए बहन। क्या हुआ? બેન ને બોલાવ અમારી સાથે તો આવશો ને આપ અને આ બધું તમે શું પહેરેલું છે ભક્તિ તુલસી છે કૃષ્ણ ભગવાન એવું છે પણ આ તમે બધું આ થોડું તો કાઢી નાખો ના ભક્તિ ગાદી એ સબ નિકાલ આપ એ સબ નિકાલ દો એસા બોલ રહી હું મેં આપકો એ સબ અભી વહાં પે વો બેન નિકાલ દેગી ના ઉનકી જો ફ્રેન્ડ વગેરે નહીં કાઢે તો કોઈ નહીં પણ થોડી વાર आप हमारे साथ चलोगे पुलिस स्टेशन? भाई तुम्हें छोकड़ो छो छोको मैं ऐसा बोल रहा हूं आप पुलिस स्टेशन चलोगे ना उसके लिए कंप्लेन करने के हम हमारी गाड़ी में लेके चलेंगे ना आपको उसके ऊपर कंप्लेन करनी है ना आपको चलो मेरी बात सुनो आपको उसके ऊपर कंप्लेन करनी है ना तो पुलिस स्टेशन तो जाना पड़ेगा ना आप हमारे साथ चलो है ना चलो ऐसे मानसिक रूप से जो बीमार होते हैं तो उनकी भाषा में उनके साथ बात करनी पड़ती है और हमारी महिला सुरक्षा की जो टीम है बहुत ही कार्यरत है पूरे हिंदुस्तान पूरे गुजरात के अंदर। तो जितने भी लोग देख रहे हैं 181 में कॉल कीजिए, कोई महिला आपके एरिया में कोई परेशान हो रही है हैरान हो रही है तो हमारी गवर्नमेंट जो सपोर्ट कर रही है तो उनका फ़ायदा उठाइए। ये आपके भाई है वो चलो तो चलिए हम डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ही चलते हैं, ठीक है? बोल रहे हैं कि वो राजस्थान उदयपुर के हैं। अच्छा। हाँ, और उसकी शादी हुई है 2 साल पहले और उसके 2 बच्चे हैं, लड़के हैं 2। अच्छा। हाँ, और क्या नाम बताया था उसने? शिवानी देवी शिवराज सिंह राणावत। शिवानी देवी शिवराज सिंह राणावत, हाँ। ये उनका नाम खुद हाँ, बता वो बोल रही है। अच्छा, और हाँ, वो बोल रही थी कि उसने स्टडी भी ज्यादा की हुई है, पढ़े लिखे बहुत। हाँ, पढ़े लिखे बहुत। अच्छा, चले दोस्तों कोई बात नहीं। अभी उदयपुर से राजस्थान से जितने भी लोग देख रहे हैं तो बहन अभी अपनी उनके साथ काउंसलिंग किया तो उनका नाम बता रहे शिवानी देवी। तो कोई भी व्यक्ति उदयपुर से है तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए उदयपुर तक। बहन को अभी ले जा रहे हैं हम मानव मंदिर आश्रम जहाँ पर उनके हालात को बदल दी जाएगी। तो चलिए बहन अभी हम बहन के साथ बातचीत करके ट्रांसपोर्ट और सर को भी 2 लोगों को बुला लीजिए तो ईजी रहेगा। आ जाओ इधर आ जाओ। अरे पन वो बात तो हो रही हो। आप आ जाओ आ जाओ। तो दोस्तों फाइनली बहन के साथ बातचीत करके पुलिस स्टेशन में सब कुछ लिखान बिखान करवा दिया है और 181 हमारी गवर्नमेंट जो हेल्पलाइन है महिला सुरक्षा के लिए तो उनकी गाड़ी खुद वहाँ आश्रम में रखने के लिए आ रहे हैं क्योंकि बहन की जिस तरह से मानसिक रूप से जो कंडीशन है तो उनको डायरेक्ट महिला पुलिस खुद वहाँ पे उनको रखने के लिए आ रही है। हमारी गवर्नमेंट हमें बहुत सपोर्ट करती है, बस उनके जो नीति नियम हैं उनके हिसाब से जो जिस तरह से हम काम करते हैं तो गवर्नमेंट के हमारी महिला सुरक्षाओं को साथ में रखते हो। आपके एरिया में भी काफ़ी सारी बहनें हैं जो परेशान हो रही है, काफ़ी सारे बहुत बुरी कंडीशन में ऐसे मिलते हैं तो प्लीज़ आप 181 में कॉल कीजिए, महिला सुरक्षा में कॉल कीजिए जिसकी वजह से ऐसी महिलाओं को मदद मिल सके। तो चले कोई बात नहीं, अभी गाड़ी आ रही है तो हमारी गाड़ी और महिला सुरक्षा की गाड़ी साथ में मिलकर हम जा रहे हैं मानव मंदिर आश्रम, वहाँ पे बहन के हालात को बदलेंगे। बहन थोड़े मानसिक रूप से इतने डिसेबल है कि बहुत पढ़े लिखे होने के कारण
उनकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। कोई बात नहीं, देखते आगे क्या होता है, आपके साथ और भी बातचीत करते हैं। थैंक यू सो मच, चलिए मेरे साथ। बहन के साथ आ जाओ। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मानव मंदिर आश्रम और बहन की हालत बहुत ही गंभीर है। से कीजिए, ये क्या है? ये क्या लिखा है? श्रीदेवी। हैं? श्रीदेवी। श्रीदेवी। अच्छा, ये हाथ दिखाइए ना, ऊपर कीजिए ना, ये दिखाइए, ऐसे कीजिए। दोस्तों आप नजदीक आइए और ये बहन की उंगलियों के हालात देखिए, 10 से 10 उंगली में इतने बड़े बड़े कपड़े बंधे हुए हैं कि जिसके हालात। क्या नाम बताए बहन जी आपके? शिवानी। कहाँ के रहने वाली, कहाँ की है बेटा? उदयपुर राजस्थान। अच्छा, वो क्या मुंह में क्यों लगाए? मॉडलिंग। निकल देंगे आर्टिस्ट। आपका ठीक हो जाएगा? ना ना सॉरी, आर्टिस्ट। अच्छा, मतलब सोनी राव आर्टिस्ट है वो। आ जाओ आ जाओ। આમ જો મારી વાત સાંભળો, આમ જો અ બેન મારી વાત સાંભળો, આમ જો ઓઠેન બધું લાયા વાળા બધા મારી બાજુ બનિયાવાણું તમને નવા આપે પણ આ નવા આપે છે તમને પછી નવી વસ્તુ પહેરોની ઓઠ ઉપર જે પહેરવાની આવે થઈ ગયું છે કાડે નવ થઈ ગયું છે અટલે દુખ્યું છે ને આ બડી જશે ને આ પણ ટ્રીટમેન્ટ કરાવવાનું છે ના યો બડી જશે ને શું થયું છે અહીંયા અહીં ને ટચડ્યા છે કાગડા અખિલ બેટા ઓ દાદા આ પાડો आराम से निकलना। के मंदिर नाखी हुई है हमने। अनाडे तो चांदी से। हां हां चांदी काटो काटो। चांदी से इतना ही हमको इधर रखना, बाद में लेके जाना है हमको। हां बाद में हम लेके इधर चांदी रख दो आपका, ये चांदी इधर रख दो। डुप्लीकेट छे। तो मेरी अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा केस देखा है जो महिला प्रभु जी है और इतनी बुरी हालात के साथ रोड पे रहते थे नवसारी के अंदर। आप देखिए जब उसने अपने शरीर में जब जख्म की वजह से डाला होगा, ये छोटी छोटी चीज़ आप देखिए, जो भी डॉक्टर साहब की पूरी टीम यहाँ पे काम कर रही है, छोटे छोटे ऑर्नामेंट जो रोड पे कचरे की तरह कहीं पे गिरे होते हैं तो वो सब कुछ बहन अपने सहरे के ऊपर लगा देते थे। बहन से सब हो जाएगा। अरे बहन से भाई कोई नहीं, हाथ ले ले नहीं। खातर लिया हुए, खातर अरे बाप रे, अरे चांदी क्यों हो गई तेन क्या कर रही है तुझे? हां भाई अरे चल अबे अबे आग तोड़ ले ताकि ये नहीं बड़ी कर देते अपने के बीच में ए कुछ नहीं होगा बहन, आप टेंशन मत लीजिए। आगे बैठी छे आज से कट भाई कान में हम जो आज तुझे और पूरे सांकल का मुझे ऐसे गड्ढा रख के रखा है। चले कोई बात नहीं, शायद इसके अंदर से सोना भी निकल सकता है। अब देख सकते हो कि डॉक्टर साहब भी अपनी मेहनत पे लगे हैं, खुद वो भी कंफ्यूज है कहाँ से हम कट करें और उंगलियों के हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। अभी ज़्यादा हम और भी टाइम लेट हम पहुँच से बहन के पास तो उनका शायद 10 से 10 उंगलियों को गंवाना पड़ता क्योंकि अंदर पूरा गैंगरिंग जैसा पूरा हो चुका है। अब देखिए एक उंगली से तो हमने वो अंदर से सलिया निकाला है और बहुत ही बुरी हालात के साथ अपनी ज़िंदगी को वहाँ पर जी रहे थे। अभी यहाँ पर सांकल बांधी हुई है, ये हनुमान जी की 3 गदा है, आप देखिए दोस्तों, ये 1 2 3 अच्छा छोटी गदा यहाँ पे, ये 3 4 5 और भी हो सकती है अंदर। हनुमान जी रक्षा कर सकते ऐसे व्यक्ति की, हम ये मान सकते हैं, बाकी ये हमारे जैसे इंसान ऐसे जिंदा नहीं रह सकता है। ये देखिए साकल भी बांधी है, हनुमान जी की 5 5 गदा है,
ये भगवान की रक्षा कर सकते हैं। हनुमान जी शायद हर रोज बहन के साथ होंगे। हनुमान जी तो साथ में थे ही बहन के साथ, बट हमारी देवीय शक्ति माता जी का त्रिशूल भी बहन के साथ है, तो ये रक्षा माता जी कर सकते हैं और हनुमान जी कर सकते हैं, ये सोचने लायक बात है। दोस्तों ये देखिए आप, लागी नहीं है माटी। हाँ तुम्हें हम रखो तो एक व्यक्ति के पीछे दोस्तों आप देखिए कितने सारे लोग जुड़ चुके। एक व्यक्ति के, एक प्रभु जी, महिला प्रभु जी के पीछे, जिसकी मानसिक स्थिति तो खराब है ही, पर साथ साथ में जो उनकी शारीरिक स्थिति है वो इतनी बुरी है कि पहली बार हमने जीवन में ऐसे केस को देखा है, फेस किया है। आप दूर से देखिए, आप आगे जैसा को नाप ही दियो। लो तो भाई ये गदा आप देखिए, अभी चार गदा और निकाल लिए हैं। लीजिए बहन, तुम्हारे मिशन सफल। ये हाथ ले लो, मिशन सक्सेसफुल। रोक, बस निकल गया, निकल गया। दोस्तों भैंस ने जो साकल बांधी होती है ना, वो साकल वो बहन ने अपने गले में बांधी है। आप देखिए ये 15 mm है, 15 mm की साकल है, 15 है, 10 है और एक नहीं है, 7-8 साकल मुला पूरा गला ऐसे लपट के रखा है। ये देखिए हाथर खुली थी से ना, गैठो इतनी बड़ी जन बाजी। ना ना ये बस मेरा क्री हो।